नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। हम सबको धन चाहिए, तो धन प्राप्ति के आसान उपाय क्या है? अगर आप नौकरी के जरिए धन पाना चाहते हैं, आप व्यापार के जरिए धन पाना चाहते हैं, या आप धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से धन की प्राप्ति होगी, इस पर विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति कैसे हो। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि खूब धन कमाए जीवन में, तो धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ये संभव है? देखिए, अभी दीपावली के पंच पर्व का समय चल रहा है, तो इस समय धन प्राप्ति की बात भी है और धन प्राप्ति के उपायों की बात भी है। धन प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं, किसकी उपासना की जाती है, पहले ये जानते हैं। देखिए, धन की प्राप्ति के लिए मुख्यतः माता लक्ष्मी की पूजा होती है, माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की। इसके अलावा कुबेर देवता की उपासना से, और शुक्र चूंकि वैभव देता है इसलिए शुक्र ग्रह की उपासना से भी लाभ होता है। शुक्रवार को अगर आप उपाय करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, तो इससे भी धन का लाभ आपको सरलता से होगा। और विशेष स्थितियां ऐसी होती हैं जब आप नियमित रूप से दूसरों की सहायता करें या नियमित रूप से दान करें, तो उसमें भी धन लाभ की संभावना बन जाती है। यानी मुख्यतः माता लक्ष्मी, शुक्र, चंद्र और दान करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, और शुक्र की पूजा करने से धन तो मिलता ही है, साथ में वैभव और समृद्धि की प्राप्ति भी अवश्य होती है। बहुत सारे लोग बिजनेस के जरिए अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम बिजनेस करेंगे, उससे खूब धन कमाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले बात उनकी करते हैं जो लोग कारोबार करते हैं या व्यापार करते हैं और कारोबार में धन कमाना चाहते हैं, कारोबार में धन पाना चाहते हैं। व्यापारी क्या उपाय करेंगे? शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी का चित्र अपने काम की जगह पर, अपने व्यापार की जगह पर स्थापित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और एक नियम बना लें कि रोज सुबह जरा सा इत्र रुई में लगा के पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर स्वयं को लगाएं और तब अपने दिन की, अपने काम की शुरुआत करें। ये इत्र का छोटा सा प्रयोग अगर आप नियमित रूप से करते जाएं तो आपके व्यापार की स्थिति बेहतर होती जाएगी, व्यापार में निरंतर आपके धन आता जाएगा और निरंतर आपको आर्थिक लाभ होता जाएगा। अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है, फंस गया है, वापस नहीं आ रहा है, तो पंडित जी, ऐसी स्थिति में हमें क्या उपाय करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि अपना ही दिया हुआ पैसा अपनी जरूरत पे नहीं मिल पाता, या व्यापार में उधार देते हैं तो पैसा फंस जाता है या रुक जाता है। अगर पैसा कहीं रुक गया हो या फंस गया हो तो क्या उपाय करेंगे? हर शुक्रवार को गरीबों में, निर्धनों में,
मिठाई और कपड़े बांटिए। अगर सफेद मिठाई हो तो ज्यादा बेहतर होगा। कपड़े हर बार ना भी बांट पाए तो हर शुक्रवार को सफेद मिठाई निर्धनों में बांटिए और शुक्रवार को जल में जरा सा दूध मिलाकर एक चम्मच ये जल चंद्रमा को अर्पित करिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पैसा आपको जल्दी मिले, आपका फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना करिए। और याद रखिए, अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, शुक्रवार के दिन सात्विकता बनाए रखेंगे। अगर आप नौकरी के जरिए धन पाना चाहते हैं तो पंडित जी, जो लोग नौकरी के जरिए धन पाना चाहते हैं उन्हें क्या विशेष उपाय करना चाहिए कि उनकी तरक्की होती जाए, सैलरी बढ़ती जाए और वो अच्छा धन कमाए? तो व्यापार में किन उपायों के करने से आप धन प्राप्त करेंगे ये आपने जान लिया। अगर आप नौकरी वाले हैं और आप चाहते हैं कि नौकरी में आपकी उन्नति हो और नौकरी में आपको निरंतर धन मिले तो क्या करेंगे? हर शुक्रवार को अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह या संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक पत्ते पर या मिट्टी की कटोरी में एक मिठाई, सफ़ेद मिठाई और एक मिट्टी के कुल्हड़ में पानी रख दीजिएगा। इसके बाद वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिएगा और फिर वृक्ष को प्रणाम करके नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करिएगा। ऐसा हर शुक्रवार को करते जाइएगा। अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएंगे तो नौकरी में आपको धन मिलता जाएगा, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी और नौकरी में आप उन्नति कर पाएंगे। नौकरी में आप चाहें कि हमेशा डेवलपमेंट होता रहे, नौकरी में कोई दिक्कत कभी ना होने पाए, तो आपको जब मौका मिले 2-4 पीपल के पौधे लगवा दीजिएगा। पार्क के किनारे, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर पीपल के 2-4 पौधे भी लगवा दीजिएगा। इससे आपकी उन्नति स्थायी हो जाएगी और शुक्रवार को जो आप मिठाई और जल अर्पित करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे उससे आपको नौकरी में जल्द से जल्द लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको विरासत में धन पाना है, आपके घर परिवार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जैसे धन ट्रांसफर होता है, तो पंडित जी अगर इस तरीके से धन पाना हो कि विरासत का धन मिल जाए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? अब कई बार ऐसा होता है कि अपने पिता दादा की संपत्ति है, पिता की दादा की प्रॉपर्टी है और इनहेरिटेंस में विरासत में पैतृक संपत्ति के तौर पर या धन के तौर पर मिलना है लेकिन मिल नहीं पा रहा। अपने ही पिता दादा का धन, उनकी संपत्ति इनहेरिटेंस में नहीं मिल पा रही और उसमें दिक्कत आ रही है, क्या उपाय करेंगे? शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल की माला अर्पित करिएगा। गुलाब के फूल की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करिए या अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा। इसके बाद घी का एक दीपक जला करके घी के दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। जब आरती हो जाए तो इसके बाद कन्याओं को, बालिकाओं को सफेद मिठाई का दान करिएगा। ऐसा उपाय हर शुक्रवार के शुक्रवार आप करते जाएं।
आपको आपकी विरासत का जो हिस्सा है, इनहेरिटेंस का जो हिस्सा है, वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति, पैतृक धन प्राप्त करने में अगर मुश्किल आ रही होगी तो वो मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं और लोन लेकर कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें मुश्किलें आ रही हैं, तो पंडित जी अगर कर्ज लेने में मुश्किल आए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि मकान खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, गाड़ी के लिए या पढ़ाई के लिए हमें लोन लेना पड़ता है, और अगर हम लोन लेना चाहते हैं लेकिन लोन मिल नहीं पा रहा, कर्ज मिल नहीं पा रहा, कर्ज में मुश्किल आ रही है, तो क्या करेंगे? शुक्रवार के दिन एक नीम की लकड़ी ले आइए, छोटी सी एक नीम की लकड़ी ले आए, उसे पानी से धो करके साफ कर लीजिए। इसके बाद एक शीशे का ग्लास लीजिए या कांच की एक सफेद बोतल लीजिए, उसमें नमक मिलाकर पानी भर दीजिए, यानी पानी भरिए, उसमें जरा सा नमक मिला दीजिए, और इसके बाद उस पानी में नीम की लकड़ी के टुकड़े को डालकर इसको किनारे बिल्कुल सुरक्षित रख दीजिए। एक महीने तक कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप ये उपाय किसी शुक्रवार को कर लेते हैं तो आपको कर्जा आसानी से मिल जाएगा। अगर एक महीने में कर्जा सैंक्शन नहीं हुआ, लोन सैंक्शन नहीं हुआ, तो आप पानी बदल करके दोबारा से नमक वाला पानी गिलास में भरकर या बोतल में भर के रखिएगा और उसमें वही लकड़ी डाल दीजिएगा। निश्चित रूप से एक आध दिन का विलंब भले हो सकता हो लेकिन आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करना चाहिए, या तो गणेश जी के साथ करिए या भगवान विष्णु के साथ करिए, तो ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करना चाहिए? माना जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा कभी अकेले नहीं की जाती। ऐसा क्यों? देखिए, माता लक्ष्मी धन और संपन्नता का प्रतीक हैं, लेकिन धन के साथ दुर्गुण भी होता है कि अगर धन ज़्यादा आ जाए तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं, भटक सकते हैं, बहक सकते हैं और हो सकता है धन का दुरुपयोग करें। ऐसी स्थिति में दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ की जाती है और चातुर्मास के अलावा भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वो इसीलिए की जाती है कि धन के साथ साथ आपको बुद्धि भी मिले, आपका दिमाग सही हो और पवित्रता के साथ आप धन का प्रयोग कर सकें। हर कोई चाहता है कि धन की बिल्कुल कमी ना हो, पैसा खूब आता रहे। पंडित जी, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? हर व्यक्ति जीवन में चाहता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कि जीवन में धन की बिल्कुल कमी ना हो। बहुत ना भी हो तो इतना तो रहे कि जीवन की बेसिक आवश्यकताएं पूरी होती रहें। तो धन का अभाव ना हो, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? किसी शुक्रवार को एक सफेद स्फटिक की माला ले लीजिएगा, उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगा लीजिएगा। इसके बाद उसी माला से एक मंत्र 108 बार जप लीजिएगा। मंत्र होगा ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस माला को गले में धारण कर लीजिएगा। ये अभिमंत्रित माला है और अगर इसको नियमित रूप से गले में पहनेंगे तो आपको धन का अभाव नहीं होगा।
रात में सोते समय इस माला को निकाल कर अपने सिरहाने रख दीजिएगा और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पुनः इस माला को पहन लीजिएगा। साल भर बाद इस माला को दोबारा से शुद्ध करके अभिमंत्रित करके फिर से पहनते रहिएगा। इस माला को पहने रखने से धन का रेगुलर फ्लो, धन का निरंतर आना आपके जीवन में बना रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।